नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जब एक ही व्यक्ति अपनी ज़मीन को किसी व्यक्ति को बिक्री कर देता है, फिर वही व्यक्ति दोबारा उस ज़मीन को या तो बिक्री करता है या फिर उसका कुछ हेरा फेरी करता है, तो जो प्रथम क्रेता हैं, जो केवाला दस्तावेज द्वारा ज़मीन को खरीद किए हैं, उन्हें कौन से कानूनी उपाय करनी चाहिए अपनी भूमि की रक्षा के लिए। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनाया गया है। उनके साथ जो घटना घटी है वो इस प्रकार है कि एक खतियानी ज़मींदार अपनी ज़मीन को दस एकड़ भूमि को मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को बिक्री कर देता है, और जो वह ख़रीदार है मोहन सिंह, वह अपने नाम से ज़मीन का मोटिशन भी करवा लेता है और लगान रसीद भी प्राप्त कर लेता है, और कुछ दिन के बाद वह मोहन सिंह नाम का व्यक्ति अपने ज़मीन को 5-6 व्यक्ति के बीच में पुनः दस्तावेज उसका अलग अलग बना देता है, अर्थात बिक्री कर देता है। तो उनके ज़मीन सेल करने के बाद तब तक पुराना ज़मींदार जो था, जिसने मोहन सिंह को ज़मीन बिक्री किया हुआ था, वह उस ज़मीन को जिसे उसने बिक्री किया था, उस ज़मीन को पुनः सरकार को सीलिंग एक्ट के तहत सरेंडर कर दिया, और एक नए चाल चलते हुए जिस व्यक्ति 5-6 व्यक्ति ने केवाला ज़मीन खरीद किया था, उसके नाम से वो सीलिंग एक्ट वाली ज़मीन का लाल कार्ड पर्चा वितरण करवा दिया उसके नाम से। अब यहाँ बात हो गई कि एक ही व्यक्ति केवालादार भी हो गया, अर्थात उसका दस्तावेज भी उसके नाम से बन गया, और फिर सरकारी पर्चा भी बन गया, और एक ही ज़मीन प्राइवेट भी है और बाद में वो सरकारी भी हो जाती है। तो बाद के जो केवालादार हैं, वह जब अपने ज़मीन का मोटेशन अपने नाम से कराने के लिए जाते हैं तो उनका मोटेशन फंस जाता है। उनका मोटेशन करने के लिए अंचल कार्यालय तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेच लग गया। वह ज़मीन पहले प्राइवेट था, उसका किसी के नाम से जमाबंदी चल रहा था, और अब वो ज़मीन सरेंडर कर देने से सरकारी ज़मीन हो गई, तो एक दुविधा वाली बात हो गई कि ये ज़मीन प्राइवेट माना जाए या फिर सरकारी माना जाए, एक जांच का विषय हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने बात बताया, यह थोड़ा समझने में कठिन है, पर ध्यान से देखने पर ये बात समझ में आ जाएगी। वो ज़मीन जो पहले विक्रेता थे, उन्होंने जब ज़मीन को बिक्री कर दिया तो उनका अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने पुनः जो है गलत ढंग से उस ज़मीन को सरकार को सरेंडर कर दिया, वैसे भूमि को जिसको उन्होंने पहले ही बेच चुका था। और जो क्रेता हैं, वह ज़मीन दस्तावेज द्वारा ख़रीद लेते हैं और पुनः उसी ज़मीन का वह पर्चा भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह की जो दुविधा हो गई, इसमें उनका मोटिशन फंस गया, उन्हें पेच लग गया, उन्हें लगान रसीद प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि उन्हें ज़मीन उनके कब्जे में है, परंतु उसका लगान रसीद उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। वो 25 वर्ष पूर्व की यह घटना है, 25 वर्ष से वह
सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। अब ज़मीन को यदि बिक्री करना चाहते हैं तो वो ज़मीन बिक्री भी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस तरह का अगर आपके साथ भी घटना घटती है या फिर इससे मिलता जुलता अगर कोई केस है जो एक ही ज़मीन को दोबारा बिक्री कर दिया जाता है या उसका फिर हेरा फेरी किया जाता है, तो इस तरह का आप जो यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति है उसे देखा जाएगा कि ये ज़मीन अब सरकारी भी हो गई है और इसमें जो षड्यंत्र रचने वाले, पेच लगाने वाले प्रथम विक्रेता हैं ज़मीन का, पहले का जो खतियानी रैयत है, तो टाइटल सूट में दोनों व्यक्ति को प्रतिवादी बनाना पड़ेगा, खतियानी रैयत जो पूर्व के हैं उन्हें भी और जो सरकार है उसे भी और भी जो इसमें संबंधित व्यक्ति होंगे उन्हें प्रतिवादी बनाकर टाइटल सूट का मुकदमा लड़ना पड़ेगा, तभी इस तरह की पेच छूटेगी और इस तरह की समस्याओं से निदान हो सकता है, इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।